फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल फूड। सिंपल फूड किचन में हम बनाने जा रहे हैं ये जीरा राइस। मैंने ये डेढ़ गिलास लिए हैं चावल, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। भिगोने के बाद ये बड़े अच्छे बनते हैं। और ये मैं तड़के के लिए मैं इसमें ये हरी मिर्ची डालूंगी और ये डालूंगी टमाटर। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। हरी मिर्चों को मैंने बीच में से चीर लिया है। हरी मिर्च हम लंबी लंबी डालेंगे। ये तीन चार हरी मिर्चें सारी चीर रखी है मैंने और डेढ़ टमाटर लिया है। इनको हम काट लेंगे छोटा छोटा, उसके बाद हम इसको चावल में ही डालेंगे। ये टमाटर को हमने काट लिया है। टमाटर को ऐसे काटना है। चलो बनाते हैं। चले ये ऑयल डाल लिया हमने, थोड़ा सा तेज पत्ता डाल लेंगे पहले। जीरा, ये हमने टमाटर को काट लिया था। टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर डाल दिए मैंने, हरी मिर्चें भी डाल दी है। अभी थोड़ा सा नमक डाल देंगे। जब तक कि हमारे टमाटर नहीं उठते तब तक थोड़ा पका लेते हैं इसको। ये टमाटर हमारे थोड़े थोड़े गल गए हैं, अब हम इसमें ये अपने चावल डाल लेंगे। थोड़ा सा पकने देते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये मैंने डेढ़ गिलास चावल लिए थे तो हम इसमें तीन गिलास पानी डालेंगे, तीन से थोड़ा सा कम। अगर इसमें हम पानी को भी पका के उबाल के डालें तब ज़्यादा जल्दी फायदा होता है। मैंने ठंडा पानी यूज किया है नॉर्मल। वाव, ये देखिए कितने अच्छे चावल बने, कितना अच्छा रंग आया है। हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ी देर दम देते हैं चावलों को, 10 मिनट बाद देखते हैं दोबारा, तब तक दम आ जाएगा। ये हमारा जीरा राइस तैयार हो चुका है, बड़ा अच्छा बना है। ये छोले के साथ खाएंगे। और ये मैंने सूखी सब्जी बनाई थी साथ में सब्जी। तो लो जी, हमारी डिनर की थाली तैयार हो चुकी है। खाइए और बनाइए एक बार ये इस मेरे स्टाइल से जीरा राइस बना के जो देखिएगा, बड़े टेस्टी लगते हैं ये खाने में। ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, कमेंट करना। बाय।